स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा माइंड एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के लाइव चैप्टर को आगे बढ़ाने हैं। हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के लाइव चैप्टर के रिफ्लेक्शन पार्ट को स्टार्ट किए थे। रिफ्लेक्शन पार्ट के टोटल थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को खत्म करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद ये वीडियो पर आइए। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग का 3 टॉपिक। पहला टॉपिक यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, दूसरा टॉपिक साइन कन्वेंशन जो कि न्यूमेरिकल बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द थर्ड वन इज मिरर फॉर्मूला। ये 3 टॉपिक आज की क्लास में विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस कनकेव मिरर का यूज। कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहला कंडीशन टॉर्च में, हेडलाइट में, हमारे व्हीकल्स का जो हेडलाइट होता है बच्चों, यहाँ से लाइट क्या होता है, डाइवर्ट होते हुए निकलता है ना, वो उसमें कौन सा होता है मिरर, उसमें कॉनकेव मिरर होता है। आप लोग को तो पता है कि जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रखा जाता है, दैट मींस उसमें इमेज क्या होता है बच्चों, वर्चुअल बनता है। तो कॉनकेव मिरर का सबसे पहला यूज टॉर्चेस में, लाइट में, है ना बच्चों, हेडलाइट में। दूसरा क्या होता है, सेविंग मटेरियल। देखो बच्चों, कभी कभी आप लोग जाते हैं, वैसे नाई के दुकान में गए होंगे, बारबर के दुकान में गए होंगे, हम तो छोटा रहते हैं बच्चों, लेकिन जो हमारा मिरर में इमेज आता है वो बहुत बड़ा आता है, वो कैसे आ रहा है यार? तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि किसका यूज किया गया है, प्लेन मिरर का नहीं, कॉनकेव मिरर का यूज किया गया है। और आप लोग को पता है कि जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है मिरर के, तो उस समय इमेज कैसा बनता है बच्चों, वर्चुअल बनता है। तीसरा होता है डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर, जो दांत खोद खोद के कीड़ा निकालता है, वो दांत को, उतना छोटे दांत में है ना, कीड़े को बड़ा कैसे देख पाता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर की सहायता से देख पाता है ना। फर्स्ट कंडीशन कॉनकेव मिरर, वर्चुअल इमेज। उसके बाद क्या होता है, जितना भी सोलर फर्नेसेस होता है बच्चों, उस सब में लाइट को एक पॉइंट से गुजारने के लिए किसका, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन इज कॉनवेक्स मिरर। कॉनवेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है बच्चों, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, ब्लगिंग आउटवर्ड होता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है ना बच्चों। जितना भी व्हीकल्स का जो रियर व्यू इमेज देखने के लिए जो मिरर का यूज किया जाता है, वो सब कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें लिखा रहता है बच्चों, ऑब्जेक्ट इज मच क्लोजर देन दे अपीयर, है ना बच्चों, तो वो किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये लार्ज एरिया को क्या करता है बच्चों, छोटे मिरर में भी दिखा देता है। सिक्योरिटी पर्पस, एटीएम के बाहर जो बड़ा सा क्या होता है बच्चों, मिरर लगा रहता है, अंदर गार्ड बैठा रहता है, वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि अगर लंबा लाइन लगा हुआ है तो आराम से पीछे यहाँ गार्ड देखकर देख लेगा, भाई इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि लार्ज एरिया को छोटे एक्सटेंट में कंटेन कर देगा, कौन सा मिरर बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो बच्चों, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है वो साइन कन्वेंशन है। देखो कार्टेशियन मेथड से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या बच्चों, मैं आप लोग के दिमाग में इसे हटा दूंगा, इतना हटा दूंगा कि आपका न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन कभी गलती होने वाला नहीं है, कि अगर रियल इमेज है तो क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज है तो क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा, कभी नहीं भूलोगे, इतना सिंपल ट्रिक में बताऊंगा, बस समझना है ध्यान से बच्चों। वो देखो मैंने यहाँ पर कार्टेशियन मेथड से मैं इसको सॉल्व करने वाला बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहला याद रखना है बच्चों, सबसे पहला दिमाग में हम लोग को रखना है कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर इमेज बनता था, हाँ यहाँ पर देखो, ये जो है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग मान लिए मिरर का अपर्चर मान लिए, क्या मान लिए, मिरर का अपर्चर मान लिए। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया बच्चों, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता था, यहाँ पर रियल इमेज बनता था, और यहाँ पर क्या था बच्चों, ऑब्जेक्ट का पोजिशन था, यानी ये तीनों जगह कुछ ना कुछ बनता था, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ नहीं बनता था, टंटन गोपाल था, कुछ नहीं बनता था, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, काट दिए, यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो क्या कर दिए, काट दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बच्चों, अब अगला कंडीशन में आते हैं, मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों होता है, इसमें क्या होता है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होता है बच्चों,
एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और इसका तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को दो एक बात ध्यान रखना है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा बाबू, रटना क्या यार बहुत समझाता हूँ दिमाग में रह जाएगा। पहला, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का पोजिशन हमेशा नेगेटिव, याद हो गया ना। ऑब्जेक्ट का हाइट देख रहे हो बच्चों, हाइट हमेशा क्या होगा y डायरेक्शन में, y एक्सिस में, और y एक्सिस हमेशा क्या होता है बच्चों हाइट को शो करता है और ऊपर की ओर रहता है ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग सीधा रखते हैं, दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव का हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर का हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा। सेकंड नंबर आता है बच्चों पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ओरिजिन से क्या कर रहे हैं लेफ्ट की ओर रख रहे हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट की ओर आते हैं तो ये वाला क्या होता है निगेटिव होता है। तो हाइट ऑफ सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू से, और इमेज के पोजीशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, इमेज की पोजीशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, हम लोग हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे बच्चों एच ओ से, और इमेज की हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं जल्दी बताओ एच आई से। अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया कि दो चीज आपको याद रखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा क्या होगा ऊपर की ओर एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी यू हमेशा नेगेटिव और एच हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये आप लोग दम रट लो। उसके बाद आते हैं हम लोग बच्चों इमेज, इमेज कितना प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है, देखो मैं कितना जल्दी समझाता हूं, इमेज इमेज क्या होता है बच्चों टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्या होता है बच्चों रियल इमेज, ये क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ जल्दी बताओ वर्चुअल इमेज। देखो अगर रियल इमेज रहेगा बच्चों तो सबसे पहला कंडीशन आप लोग याद रखना है कि रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, ये दोनों को छोड़कर हाइट ऑफ रियल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज दैट इज एच आई ऑलवेज क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा, यानी रियल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, देखो ये भी क्या है पोजीशन ऑफ इमेज है, यहां से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, ये मेरा क्या है पोजीशन ऑफ इमेज है, तो पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज बी इक्वल टू क्या होगा निगेटिव होगा। देखो क्यों निगेटिव होगा, नेगेटिव नीचे की ओर है और जिससे क्या है बैकवर्ड है तो क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव। अब आते हैं हम अभी छोड़ देते हैं भाई मैग्नीफिकेशन लास्ट में बताएंगे, वर्चुअल इमेज के लिए आते हैं। देखो बच्चों वर्चुअल इमेज, देखो हमेशा वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चों पीछे बनता है सीधा बनता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज क्या होगा सीधा है दैट इज ऊपर की ओर y में तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो होगा बच्चों एच आई वो क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, यानी वर्चुअल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखो बच्चों यहां से यहां तक ओरिजिन से राइट साइड में है तो क्या है राइट साइड में पॉजिटिव है, तो यानी यहां पर पोजीशन क्या होगा बच्चों सीधे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज वीज कल टू क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, वीज कल टू क्या होगा। अब यहाँ पर दिमाग सर देख रहे हैं सर यहाँ पर एक ट्रिक निकल रहा है सर, मैं आपको बताऊं बताओ कि रियल इमेज के लिए सब नेगेटिव वर्चुअल के लिए सब पॉजिटिव, सही बात है यार रियल के लिए सब नेगेटिव वर्चुअल के लिए सब पॉजिटिव। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन का बात कर लेते हैं, देखो बच्चों मैग्नीफिकेशन अभी मैग्नीफिकेशन रहने देते हैं, पहले आते हैं फोकस पे आते हैं कि किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और किसका फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखो बच्चों मिरर क्या होता है दो टाइप का होता है, मिरर होता है दो टाइप का, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है रियल फोकस, लाइट एक्चुअली मीट करती है तो फोकस कैसा हो गया बच्चों रियल फोकस, और यहाँ पर लाइट अपीयरेंस टू मीट करती है तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम बच्चों मतलब लिख देते हैं वर्चुअल फोकस, क्या लिख दिए हैं वर्चुअल फोकस, रियल फोकस है रियल फोकस इधर होता है रियल तो निगेटिव होगा, यानी फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा, यहाँ वर्चुअल फोकस है इधर होगा यहाँ पर फोकस यहाँ पर ये होगा
है ना, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, इसका फोकल लेंथ आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। एक और कंडीशन रियल के लिए, यहां भी रियल के लिए सब निगेटिव था, यहां भी रियल के लिए फोकस निगेटिव है। अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं लास्ट में, चलो देखते हैं वही मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बटा एच ओ। जरा देखो बच्चों, रियल इमेज के लिए निकालते हैं मैग्निफिकेशन, रियल इमेज के लिए एच आई क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस अपॉन एच ओ क्या होता है बच्चों, एच ओ तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस प्लस, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है बच्चों, अरे बताओ ना यार क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस। यानी रियल इमेज के लिए देखो मैग्निफिकेशन भी क्या हो गया, माइनस आ गया। आप एक बार देखते हैं वर्चुअल इमेज के लिए निकाल कर, चलो देखते हैं यार क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, एच आई वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव, कट कितना आ गया बच्चों, पॉजिटिव। यानी एम इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यहां से तो बस एक ट्रिक याद रखना है आप लोग को, ये दोनों याद रख लेना है, बस यही दोनों याद रखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव और इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव। बाकी उसके बाद कुछ याद नहीं रखना है, रियल है तो निगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव, रियल है तो निगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव, एक्सेप्ट द टू थिंग्स। ओके ना बच्चों, रियल के लिए हाइट ऑफ इमेज भी निगेटिव, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव है ना, मैग्निफिकेशन निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव। वर्चुअल के लिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है ना, पोजीशन ऑफ इमेज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। इजी स्टेप था, तुरंत हम सीख गए। बस यहाँ पर आप अगर मुझे पूछेगा कि जरा बताओ जी कॉनकेव मिरर के लिए फोकल क्या होगा, तो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा बच्चों, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है और रियल इमेज बनाता है। तो अगर इमेज क्या है, फोकस से पहले है, तो उस कंडीशन में फोकस उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इमेज वर्चुअल बनेगा। यानी यहां से हम एक नोट में लिख सकते हैं कि नोट में हम लोग क्या डाल सकते हैं बच्चों, ओनली वन कंडीशन द कॉनकेव मिरर ड्रा वर्चुअल। एक कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर से क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज बनता है तो उस कंडीशन में यार कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए तो फोकस निगेटिव होगा, इमेज वर्चुअल बन रहा है तो वर्चुअल के लिए आपको पता है ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। मेरा इजी से क्या हो गया बच्चों, आसानी से साइन कन्वेंशन दिमाग में तो घुस गया होगा, दम घुसा होगा, गारंटी घुसा होगा। याद क्या करना है बच्चों, याद करना है बस दो चीज, एक याद करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। सेकेंड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो क्या हो, कॉन्वेक्स हो। अब आते हैं रियल और वर्चुअल के लिए, रियल के लिए ये दोनों को छोड़कर बाकी सब निगेटिव, वर्चुअल के लिए ये दोनों को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव। यानी हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज है ना, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ सब निगेटिव रियल के लिए, वर्चुअल के लिए सब पॉजिटिव। ये मेरा क्या था बच्चों, साइन कन्वेंशन था। क्या था बच्चों, साइन कन्वेंशन। कंडीशन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर देता है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, दैट इज सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर करता है तो कंडीशन होगा, एक कंडीशन पर वर्चुअल इमेज बनेगा लेकिन फोकल नेगेटिव होगा, बाकी सब कंडीशन पर ना रियल इमेज बनता है, यानी सब क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। मेरा ये क्या हो गया बच्चों, साइन कन्वेंशन खत्म हो गया, गारंटी करता हूँ कि आपके दिमाग में अट गया। उसके बाद आता है बच्चों हम लोग का लास्ट टॉपिक, वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, एक ऐसा फार्मूला जो कि इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन बताने वाले फार्मूला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। और वो रिलेशन क्या होता है बच्चों, देखो वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है देखो बच्चों, 1/u + 1/v = 1/f, यही क्या होता है बच्चों, मिरर का फॉर्मूला होता है, जहां पर आपका आप लोग को पता है u = क्या हो गया बच्चों,
पोजीशन कहिए या इसको डिस्टेंस कहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। भी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों बताओ, पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, फोकल लेंथ। अब जल्दी से बचाओ, फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, है सर फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है सर, रियल इमेज के लिए है ना। और दूसरा सर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, कॉनवेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, वियर फार्मूला हो गया, जो कि इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच क्या कहता है, रिलेशन बताता है, 1/u + 1/v = 1/f है ना। और हमेशा आपको साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल बनाते समय साइन कन्वेंशन को हमेशा याद रखना है, आप लोग इसे राइट डाउन ध्यान से कर लीजिए। हम लोग बच्चों अभी हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े और उसके रिगार्डिंगली हम लोग बच्चों दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसे हम लोग बहुत ही इजी ट्रिक में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कंडीशन बच्चों सॉल्व करने का क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो गिवन दिया हुआ है उसको लिखिए विद द यूज ऑफ साइन कन्वेंशन। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ जो गिवन में दिया हुआ उसको लिखता हूँ। देखो बच्चों देखो क्वेश्चन में कराया, ध्यान से पढ़ता हूँ मैं, कि अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, यानी मिरर कैसा है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। और एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट यानी एच ओ, और एच ओ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, जिसे है ना कॉनकेव मिरर से 32 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी कि यू, और यू हमेशा क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। जो जो दिया हुआ था मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इमेज कैसा बनता है, दिया हुआ है रियल और इन्वर्टेड, यानी इमेज कैसा बन रहा है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत इजी है, रियल के लिए तो क्या होता है, बाकी ये दोनों को छोड़ो बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। रियल इमेज बनता है बच्चों कितना ऊंचा, यानी कितना साइज का, 3 सेंटीमीटर, यानी एच आई कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है ना, यानी कि एच आई रियल इमेज है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, और उसके बाद मैग्निफिकेशन। देखो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ है ना, एच आई क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ, एच आई कितना दिया हुआ, -3, और एच ओ कितना दिया हुआ है, 2, काटेंगे तो क्या हो गया, -1.5। मैंने बताया था ना कि रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, माइनस आता है। अब यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, डिस्टेंस बटा डिस्टेंस, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर क्या हो गया, कट गया। तो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ये दिमाग में दम डाल लो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों। चलो बच्चों हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल लिए, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, इमेज का डिस्टेंस चाहिए। हम लोग मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, वो किसके रिगार्डिंग थे बच्चों, वो पोजीशन के रिगार्डिंग थे, और वो क्या था बच्चों, एम इज इक्वल टू -b/u। अब देखिए बच्चों माइनस है ना, मैग्निफिकेशन मैंने कितना निकाला, -1.5, देयर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ना, -b और u बच्चों, u कितना है ये देखो बच्चों, u -32 है, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया बच्चों, यहां से मैं v निकालूंगा तो -32 × 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 16, 2 × 2 = 3, 0, 8, 4 कितना आ गया बच्चों, 48 क्या आया सेंटीमीटर। माइनस क्या शो कर रहा है, चूंकि रियल इमेज है, रियल इमेज का क्या होता है बच्चों, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में उसी को पहले हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे है ना। सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पर फोकल लेंथ तो निकाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है बच्चों, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v कितना दिया हुआ जल्दी बताओ, देखो 1/v, v कितना निकाले है, 48 निकाले है बच्चों, u कितना दिया हुआ है, -32, चूंकि u की नेगेटिव है, और f, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 96 आएगा, ये -2 - 3 = 1/f, -5/96 = 1/f। यहां से हम f निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, -96/5, दैट इज -19.5 सेंटीमीटर। मेरा आंसर आ गया फोकल लेंथ, मेरा फोकल लेंथ क्या हो गया बच्चों, आ गया। बहुत ही इजी मेथड से नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि इमेज क्या है बच्चों, रियल इमेज है,
यानी मेरा बनाया हुआ क्या बच्चों सही है, यानी हम लोग का बनाया हुआ क्या बच्चों सही है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ पर बच्चों हम लोग सेकंड फॉर्मूला को सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज ऑफ 1.5 हाई व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। सबसे पहला क्लू कॉनकेव मिरर है बच्चों, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, और ऑटोमेटिक क्या हो गया बच्चों, हम लोग के दिमाग में सब चीज आ गया है ना। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले एच ओ कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, और एच ओ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद इमेज जो रियल इमेज बनाता है उसका हाइट कितना दिया हुआ है, यानी एच आई कितना है, 1.5, और रियल इमेज का है ना हाइट हमेशा क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। उसके बाद डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, व्हेन प्लेस एट डिस्टेंस, यानी जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर, यानी यू, और यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, -15 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है बच्चों, मुझे ये पोजीशन यानी वी निकालना है, और क्या निकालना है बच्चों, मैग्निफिकेशन निकालना है। देखो बच्चों ये दोनों पोजीशन तो बड़ा आराम से निकल जाएगा, हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, इक्वेशन वन। एक और फॉर्मूला पढ़े थे एम इज इक्वल टू -B/2 यू, इक्वेशन टू। दोनों को समराइज करें तो मेरा फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, -B/U इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, ये मेरा क्या आया था बच्चों, फॉर्मूला आया था। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो therefore ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -B/U इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ। भी हमको निकालना है, इसको वी को भी छोड़ दिए, यू कितना दिया हुआ, -15 दिया हुआ है, एच आई कितना है, -1.5, और एच ओ कितना है बच्चों, एच ओ 1 है। माइनस माइनस कट गया, वी इज इक्वल टू, देखो बच्चो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके मल्टीप्लाई होगा, -1.5 इंटू क्या होगा बच्चों, 15 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 225, यानी 22.5। माइनस क्या शो कर रहा है बच्चों, क्योंकि रियल इमेज, और रियल इमेज में इमेज का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। बी निकल गया, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच आई बटा एच ओ, एच आई है मेरा 1 -1.5, और एच ओ क्या है बच्चों, 1 है। काट के कितना आ गया, -1.5 सेंटीमीटर, नहीं, there is no unit of magnification, ना magnification negative आ रहा, क्यों, क्योंकि real image है, real image रहेगा तो magnification negative आएगा। अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ये नहीं दे, सिर्फ दे कॉनकेव मिरर में है, आप पूछे कि आप इसका इमेज का करेक्टर लिखिए, इमेज का प्रॉपर्टी लिखिए, चलिए भाई लिखते हैं। सबसे पहला लिखते हैं, सब निगेटिव आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, यानी इमेज कैसा होगा, रियल होगा है ना, और क्या होगा बच्चों, इनवर्टेड होगा, रियल और क्या होगा, इनवर्टेड होगा। रे डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तो आप आराम से रूलर का यूज करके इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, फोकल लेंथ चाहिए आपको रे डायग्राम बनाने के लिए, आराम से आपका क्या होगा बच्चों, बन जाएगा है ना। ये आप लोगों को डिटरमाइन नहीं करना है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपने किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लास्टली बच्चों हम लोग, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो था कि आप लोग को मेरे वीडियो में गलती ढूंढना था, मैंने जानबूझकर एक गलती किया था, एक जगह मैंने गलती लिखा था, आप लोग को उसे ढूंढना था, कुछ बच्चों ने उसका रिप्लाई दिया। मैं इसका आंसर बताना चाहता हूँ बच्चों, मैंने लिखा था यहाँ पर ना हाइट के बारे में लिखा था, कि रियल इमेज के लिए मैंने हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिवली दिया था, और वर्चुअल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज को मैंने निगेटिवली दिया था, यही क्या था बच्चों, मेरे प्रीवियस वीडियो में ना मैंने ये गलती किया था, जो है ना, जो कि स्टूडेंट्स को क्या था, स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज था कि उस वीडियो में से गलती को ढूंढना है। तो थैंक यू, आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इसे उतारिए और जितना हो सके उतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स अपनी बुक से बनाइए।